अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव मैं भला आदमी हूँ, नेक इंसान हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी ज़िंदगी में इतनी तकलीफें क्यों झेल रहा हूँ। कई बार लोग पूछते हैं कि गुरुदेव अगर अध्यात्म है, परमात्मा है, न्याय है, धर्म है, तो इस पृथ्वी पर जो अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, वे तरह तरह के बड़े बड़े दुख क्यों झेलते हैं। वास्तव में ये प्रश्न बहुत दिन तक मेरे दिल को झकझोरता रहा। मैं तरह तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, लोग समझ नहीं पाते। और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के जितने दुख हैं उन सारे दुखों का एक ही कारण है कि आप सोए सोए जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप जागे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी आंखें खुली हुई हैं, लेकिन स्वयं के प्रति हर आदमी सोया हुआ है। आंखें बाहर को देखती हैं लेकिन खुली आंख तुम्हें स्वयं को कभी नहीं देख पाती, और दुख सारे तुम्हारे स्वयं के, तुम्हारे भीतर के दुख हैं। वो तुम्हारे भीतर ही पैदा होते हैं जहां तुम्हारी खुली आंख देख नहीं पाती है। और आंख बंद करो तो तुम्हें भीतर की चीज दिखाई पड़े, वो आंख बंद करने की तुम्हारी आदत ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, भीतर देखने की कला ही नहीं सीखी है तुमने। बाहर बाहर देखोगे तो तुम्हारे अलावा सारी दुनिया दिखाई पड़ेगी, तो सारी दुनिया के बारे में तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए जो ही तुम्हें झाड़ फूंक करने वाला मिल जाता है उसी से तुम्हें इलाज कराने लगते हो। कोई मंत्र दे देता है, कोई ताबीज दे देता है, कोई ये मंत्र बता देता है, कोई वो मंत्र बता देता है, सब तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हें स्वयं का होश नहीं है। और स्वयं का होश हो जाए तो तुम्हारे भीतर की सारी बीमारी अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी, सारे दुख अपने आप ख़त्म होते जाएंगे। जलालुद्दीन रूमी ने एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्रीतिकर कहानी लिखी है, उसने मेरे दिल को छू लिया। एक व्यक्ति जिसका नाम है बब्बन मियाँ, वो अपने बगीचे में खाट पर आराम से लेटा हुआ है, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, इतना अच्छा वातावरण था, प्रकृति की गोद में लेटे लेटे नींद आ गई, खर्राटे लेने लगा, और पूरी तरह नींद के आनंद में डूबा हुआ खर्राटे लेकर सो रहा था। इतने में देखता है कि एक आदमी जो घोड़े पर सवार था और एक डंडा उसके हाथ में है, उस डंडे से बब्बन मियाँ की पिटाई करने लगता है, उसकी नींद टूटती है, चीखता है, चिल्लाता है, कृपा करो आखिर बताओ तो मैंने गलती क्या की है, और वो मारता ही चला जाता है, पीटता ही चला जाता है, किसी तरह से वो खुद उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है बब्बन मियाँ, लेकिन वो दूसरा आदमी हट्टा कट्टा स्वस्थ दबोच लेता है उसको, और फिर और जोर और जोर और जोर पिटाई करने लगता है। भागने की कोशिश की, दौड़ा के फिर दबोच लेता है, और फिर यही नहीं, उसने कहा कि इस पेड़ के नीचे जितने सड़े हुए सेब के फल गिरे हुए हैं, ये सारे फल तुम खाओ, और सड़े हुए सेब उसे खिलाता है। खिलाता नहीं है, खाने को मजबूर कर देता है, डंडा मार मार के कहता है खाओ नहीं तो खोपड़ी फोड़ देंगे, मजबूरी में खाना पड़ता है उसे। सारे फल ठूस देने के बाद कहता है तेजी से भागो, लेकिन उसका पेट फूल गया है, पेट सड़े हुए फल पेट में भर गए, किसी तरह भागता है वो, दौड़ाता हुआ उसे सामने के सरोवर तक ले जाता है, और फिर सरोवर पहुँच कर भी उसे पीटने लगता है और कहता है अब तुम पानी पियो, ऐसे मुँह से पानी पियो जैसे जानवर सरोवर में मुँह डालकर पानी पीता है, उसी तरह उसको पानी पीने को मजबूर करता है, और इतना पानी पिलाता है, तब तक पिलाता रहता है पानी पियो ठूस ठूस के, जब तक कि और अधिक पानी पी पाना संभव नहीं है। वो यही कहता है मुझे बताओ आखिर गलती क्या है, क्यों मुझे पीट रहे हो, मेरी पिटाई का कारण क्या है। इतने में
जो पानी पिया था, जो सेब खाए थे, उसकी उल्टी हो गई। और जब वोमिट हो गया तो अपने डंडे से बब्बन मियाँ को इशारा करके कहता है, ये देखो जो उल्टी पड़ी है उसमें एक छिपकली के साइज का काला सांप उसकी उल्टी में दिखाई पड़ा, जो अपनी जीभ लपलपा रहा था। उसने कहा, मैं घोड़े पर सवार होके आ रहा था और तुम गहरी नींद में खर्राटे लेकर सो रहे थे, मुंह खुला हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये सांप तुम्हारे मुंह में घुस गया है। ऐसी स्थिति में मेरे सामने तुम्हारी जान बचाने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हें बता देना चाहिए था कि ये मेरे ऊपर ऐसा संकट खड़ा हो गया है, फिर जो जो तुम कहते वो सब कुछ मैं करता ही, तुम्हें इतना उपद्रव खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, तुमने मेरी तो ऐसी तैसी कर। उसने कहा, अगर मैं बता देता कि तुम्हारे भीतर काला सांप घुस गया है तो तू बिना मौत के ही मर जाता, बिना मौत के ही मर जाता। करुणा के मारे, दया के मारे कि तू मरे ना, तेरी जान बच जाए, इसलिए मैंने बताना उचित नहीं समझा, और यही एक रास्ता था। वो उसके चरणों पर गिर पड़ता है। वो कहता है, कितना सौभाग्यशाली था वो क्षण जब तुम्हारी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई। मैं कितना खुशनसीब हूँ, कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी, तुमने इतना बड़ा उपकार किया, मैं कैसे ये ऋण अदा कर पाऊँगा, तुमने मेरी जान बचा ली। और सोचें कि गुरुदेव ने यह कहानी क्यों कही। इस कहानी का सारांश या संदेश यही है कि हम बब्बन मियाँ की तरह बेहोशी में जीते चले जाते हैं, होश पूर्वक नहीं जीते हैं, और उस बेहोशी की अवस्था में तमाम सारी नकारात्मक भावनाएं, तमाम सारे नकारात्मक विचार काले सांप के रूप में हमारी जिंदगी में प्रवेश करते चले जाते हैं। अब प्रकृति अत्यंत रहस्यमयी है। जो नकारात्मकता का जहर आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, अगर प्रकृति उसको बाहर न फेंके उस जहर को, तो आपका जिंदा रह पाना ही असंभव हो जाएगा। तो प्रकृति के सामने एक ही व्यवस्था रहती है कि आपको इस तरह के, उस तरह के, तरह तरह के दुखों से गुजारती है, दुखों से गुजरने के लिए विवश करती है, ताकि जो तुम्हारे भीतर नकारात्मकता का जहर इकट्ठा हो गया है उसको तुम वोमिट कर सको, उसकी उल्टी कर सको, उसको तुम बाहर फेंक सको, अन्यथा वो तुम्हारे लिए कैंसर बन जाएगा। जो भीतर नकारात्मकता का जहर भरा हुआ है वो कैंसर बन जाएगा, तुम्हें समाप्त कर देगा।